हेलो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज दिलशाद एंड वाचिंग द शाह मुश्ताक व्लॉग। गाइस, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंग बाज़ार, जो घंटा घर के 8 बाज़ारों में से एक बाज़ार है। तो ये मशहूर है, ज़्यादातर फ्रूट मार्केट है ये सारी। तो आजकल जो है वो मीठे का जो है ना वो सीज़न है, तो मैं अक्सर आता हूँ यहाँ पर, हर सीज़न आता हूँ मीठे खाने। तो ये मौसमी फल है, खाना चाहिए। तो ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये जो ये चौक है यहाँ पर आप देख रहे हैं, दोनों साइड्स पर जो है ना वो मीठे लगे हुए हैं। और इस तरह ही लोग आते हैं, मैं भी अक्सर आता हूँ यहाँ पर, बाद उकात मैं यहाँ पर आता हूँ आशर के साथ 11 बजे, हम 11-12 बजे भी आते हैं। तो इस तरह ही रश लगा रहता है। चले आए इनसे, एक तो बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये कब का ये मीठे लगा रहे हैं और कितना पुराना ये स्टॉल है। और सेकंड वन, हम भी मीठे खाते हैं और इंजॉय करते हैं, इस सीज़न में पहली दफ़ा आए हैं। तो हमारे साथ रहेगा, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो ये देखें मेरे पास साथ, ये देखें अजान भी आया हुआ है। अजान जो है वो मुझे बोल रहा था कि मैंने ज़रूर जाना है, क्योंकि आज सैटरडे है, कल है संडे, तो इसको स्कूल से भी छुट्टी है। अस्सलाम वालेकुम भैया, कैसे हैं? अच्छा भैया, ये कब से लगा रहे हैं मीठे आप? ये तकरीबन पिछले 40 साल से लगे। 40 साल से लगा रहे हैं। तो ये आप टाइमिंग क्या है? टाइमिंग 20 घंटे। तो ये जो मीठे का सीज़न है, तो उसमें ही आप ये लगाते हैं। तो वैसे हमारे व्यूवर्स को भी बताएं कि ये सीज़न कब स्टार्ट होता है और कब एंड होता है? ये तकरीबन वैसे तो दिन आगे पीछे होते रहते हैं साल के, तो वैसे सौन भादो अस्सु, जैसे कि इंग्लिश महीने में जो 8वां 9वां 10वां, 3 मंथ ये होता है। 3 मंथ। तो ये माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, और मैं तो अक्सर आता रहता हूँ, फैसलाबाद का रहने वाला हूँ। तो माशाल्लाह कितने के ये जो आपके मीठे यहाँ पर सेल हो जाते हैं? 4 से 5 लाख। 3 भाई हैं, 3 शिफ्टें, 8-8, 10-10 घंटे। ठीक हो गया, ठीक है। तो ये तो एक मौसम है जिसमें आप मीठे लगा रहे हैं, तो वैसे आप जो ऑफ सीज़न है उसमें क्या करते हैं पूरा साल? इसके साथ फिश का काम है। इसके फौरन बाद आप करते हैं? 5 मंथ का फिश का काम है, 3 मंथ का मीठे का काम है, 4 मंथ का जो ऑलरेडी मुख्तलिफ जो बिजनेस होते हैं। अच्छा, तो क्या रेट्स हैं मीठे के? मीठे का 100, 120, 150, 200। जब सीज़न ख़त्म हो जाएगा, यानी कि एंड तक इसका रेट कहाँ तक जाएगा? 200, 250, 300 तक जाएगा। तो गाइज़ क्यों जाता है? क्योंकि अब मीठे के थैले में होता है तकरीबन 500-600 दाना। अच्छा, फिर आ जाएगा 500, फिर 400, फिर 300। जितनी बोरे की तादाद में कम होगा, छोटा साइज़ ख़त्म हो जाएगा, बड़ा साइज़ होगा उतना ही प्यारा रेट में। अच्छा, ये कौन सी किस्म है? ये कहाँ से आता है? ये दरिया का होता है, देसी। अच्छा जी, जिसको दरिया का पानी लगे उसे देसी कहते हैं। जी जी, जिसको ज़मीन का खारा पानी लगे उसे फार्मी कहते हैं। तो कहाँ से मंगवाते हैं आप? ये शोरकोट से। शोरकोट से? तो ये डेली बेसिस पर आप डेली यहाँ पर आता है, प्रोवाइड करते हैं? डेली आता काम में बिकता जा रहा है। काफ़ी देर से माशाल्लाह आ रहे हैं। तो इनका अखलाक कैसा है? बहुत ही अच्छा अखलाक है। मैं तो काम ना भी हो फिर भी सलाम करने इनसे ज़रूर आता हूँ, सिर्फ इनके अच्छे अखलाक की वजह से। बाकी काम भी इनका सम टाइम, दूसरे सीज़न में ये मछली भी सेल करते हैं। हाँ जी, मछली भी इनकी बहुत अच्छी होती है। सही, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे लोग हैं, सफाई पसंद है माशाल्लाह। ज़रा मेरा कैमरा मैन पास है, तो ये ज़रा दिखाइएगा। तो भाई जान, माशाल्लाह इतना आपके पास यहाँ पर रश होता है, तो ये तो मीठे जो है वो नीचे पड़े रहते हैं, तो क्या सफाई का आपका क्या? इंसान को रश तब पड़ता है जब उसमें कोई क्वालिटी हो। जी जी, सबसे बड़ी क्वालिटी होती है सफाई। अच्छा जी, जैसे ही उतना एक चीनी के बोरे जितना होना है ना, हमने साथ पार्सल करते हैं। सही है, उसी टाइम इसको फेंकते रहना, सारी जगहों को हम इसको बहुत अच्छे तरीके से वॉश करते हैं तेजाब के साथ, सर्फ के साथ, ताकि ज़मीन में किसी किस्म का गुबार जो किसी इंसान में मुंतकिल ना हो। गाइस, अब हम खुद मीठे खाने लगे हैं, और ये देखें अजान थोड़ा सा पास हो जाइए, अजान बहुत कम आता है वीडियो में, इसलिए थोड़ा सा ना नर्वस है। तो गाइस, मैंने देखा है कि
इतने ठंडे मीठे हैं और जो बर्फ़ है ना, हाथ डाले तो हाथ सुन्न हो जाता है। तो जो बर्फ़ जो मेन बात है ना, सफाई बहुत ज़्यादा है। तो जो पानी है ना, जो आप पतीला देख रहे हैं, तो ये पानी भी चेंज करते रहते हैं, यानी कि पानी भी गंदा नहीं होता। तो अब हम खुद ये देखें, अब ट्राई करने लगे हैं माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप भी खाओ बेटा, जो सबसे मज़ेदार चीज़ है ना वो इनका नमक है। तो नमक डालकर ये और मज़ेदार लगते हैं। तो ये इतने ठंडे हैं जो है ना, जो क्या कहते हैं, आपके दांतों में तो नहीं लग रहे? लग रहे हैं। अजान, आपको कैसे लग रहे हैं? ठीक है, बताओ कैसे हैं, बताओ ना, ठीक लग रहे हैं? तो गाय फ्रेश हो जाती है तबीयत। हमने इनको बोला है कि ये एक दर्जन है, हमने इनको बोला कि एक दर्जन आप और लगा दें, ये बोल रहे हैं कि आप इसको फिनिश करें, फिर आपको जो है ना दोबारा हम आपको देते हैं। पत्ते गर्म हो जाते हैं। गाइस तबीयत फ्रेश हो गई है, बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। तो अब वीडियो को एंड करें। तो गाइस अब वीडियो को एंड करते हैं, आशिर का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा वीडियो बनाने को। तो ये देखें, तो ये इस तरह इसने खाने नहीं थे। दरअसल ये ना अभी वीडियो के सामने ज़रा शरीफ है, ऐसे ही। तो गाइस अब हम करते हैं वीडियो को एंड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता रहूँगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, मेरी दुआ में याद रखें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।